हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम कुल्लू जिला है। कुल्लू जिला अपने दशहरा और गर्म साल के लिए काफी फेमस है। इस जिले में एक जगह है बंजार। यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हिमाचल की वो तस्वीर पेश की है जो कम लोग जानते हैं। 15 जनवरी को एक मेला चल रहा था जिसे करथा मेला कहते हैं, हर साल होता है। इस साल भी 14 और 15 जनवरी को हो रहा था। एक स्थानीय देवता जिसे नाग देवता कहते हैं, मंदिर के बाहर करीबन 1000 लोग इकट्ठा हुए। एक प्रथा है जिसमें देवता पर चढ़ाया हुआ फूलों का एक गुच्छा लोगों पर फेंका जाता है, जिसके पास गिरता है माना जाता है कि देवता उस पर खुश है। लेकिन इस बार यहाँ जो 15 जनवरी को हुआ उससे कई लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इस बार गुच्छा गिरा 26 वर्ष के लाल चंद पे। लोगों में चर्चा होने लगी, वो कौन है, किस कम्युनिटी से आता है। किसी ने कहा ये हरिजन है। इतना ही काफी था, पूरी भीड़ लालचंद पे टूट पड़ी। वारा डंडे ले आप ऐसे पैर जो तुम मार दो इनको। और उसे मारकर लहूलुहान कर दिया गया। लालचंद ने कैसे भी वहां से अपनी जान बचाई। लालचंद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मुझे उस एक बात के लिए पीटा गया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने फूल छीने नहीं थे, बस मेरी जाति के चलते मुझे पीटा गया। कहा कि तुम एक तो दूसरे गांव के, ऊपर से हरिजन, सब यही कह रहे थे कि अब शगुन हो गया। मुझे कमेटी के पास ले जाया गया जहां मुझसे 11,000 रुपये जुर्माना मांगे गए। मैं किसी की टैक्सी चलाता हूँ, इतने पैसे चुकाने की हालत में मैं नहीं था। बड़ी मुश्किल से 5100 रुपये इकट्ठा करके कमेटी वालों को मैंने दिए। एक इंसान को जाति की वजह से मंदिर जाने की जो सजा मिली वो घोर निंदनीय है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें, और बहुजन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।